टुडे वी आर एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है उसमें क्वेश्चंस क्या है आपका, ट्राइंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोस्केलेस ट्राइंगल्स। एबीसी एंड डीबीसी टू आपके आइसोस्केलेस ट्राइंगल्स है, एबीसी के आइसोस्केलेस है, डीबीसी भी आपका क्या है आइसोस्केलेस ट्राइंगल गिवन है ऑन द सेम बेस। बेस इनका क्या है सेम है, मतलब बीसी जो है कॉमन बेस है जिसपे ये ड्रॉ किए गए हैं। तो ये ट्राइंगल ए बी डी, ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपका ए बी डी एंड ए सी डी, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे होने चाहिए आपके, इक्वल होने चाहिए। इसको आपको क्या प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है, मतलब ये ट्राइंगल ए बी डी ये इसके इक्वल होना चाहिए ए सी डी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में ए बी और ए सी आपको गिवन है, ऑलरेडी गिवन है कि ए बी एंड ए सी क्या है आपको गिवन है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि गिवन है आपको ये कि आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। उसके बाद में अगर ए बी एंड ए सी इक्वल है तो इनकी अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब ए बी सी इक्वल टू ए सी बी, ए बी सी इक्वल टू ए सी बी, एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल, मतलब अगर एंगल जो है वो अपोजिट साइड्स के आते हैं, अपोजिट साइड अगर उनकी इक्वल होती है तो एंगल्स भी क्या हो जाते हैं इक्वल। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल। अब सेकंड ट्राइंगल फाइंड करते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी ठीक क्या है, देन इसमें बी डी इक्वल टू क्या है डी सी, ये भी आपको गिवन है बिकॉज ट्राइंगल डी बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, तो बी डी एंड डी सी भी क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। जब बी डी एंड डी सी इक्वल होंगे तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे, इसके अपोजिट क्या बनेगा डी बी सी, इसके अपोजिट क्या बनेगा डी सी बी, जिस पॉइंट पे ड्रॉ हो रहे हैं उसको हमको मिड में रखना है, डी बी सी डी सी बी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, इसमें भी एक प्रॉपर्टी राइट करना है। देन वी राइट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इनको एड करना है। एड कैसे करेंगे हम, एनएचएस में एनएचएस एड होती है इस टाइप से, ए बी सी प्लस डी बी सी, ए बी सी प्लस डी बी सी, देन फिर हम ए सी बी में क्या एड करेंगे डी सी बी, ए सी बी प्लस डी सी बी। अब ये ए बी सी प्लस डी बी सी मिलकर कुछ कितना एंगल बना रहा है, ए बी सी यहाँ से कम्प्लीट हो गया एंड डी बी सी, मतलब ये पूरा एक एंगल कम्प्लीट हो चुका है। आप इसको क्या राइट कर सकते हैं ए बी डी, तो वी राइट ए बी डी एंगल ए बी डी, एंड ए सी बी प्लस डी सी बी को क्या राइट करेंगे हम, ए सी बी प्लस डी सी बी, ये भी पूरा एक कंप्लीट एंगल बन रहा है आपका, अगर हाफ पार्ट इधर है हाफ पार्ट इधर है तो कंप्लीट एंगल बन गया ए सी डी, तो वी राइट ए सी डी, इसको हमने क्या राइट कर दिया ए सी डी। तो नाउ वी प्रूव दैट एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, हमको जो उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला था कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी, तो नाउ वी प्रूव दैट एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ओके इज दैट क्लियर, इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।